वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। आज हम देखने वाले आरजे ऑटो लॉक की एक और न्यू वीडियो में ऐसी बात है, अगर आपके घर में फोर व्हीलर गाड़ी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो में ऐसी बात होने वाली है सस्पेंशन में, अगर आप जब गाड़ी आपकी जब रोड पे चलती है तब आपके सस्पेंशन में से गड्ढे आने पे खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आती है, तो ये वीडियो में उसी चीज़ का उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वीडियो को जो है आप एंड तक देखिए, पूरा एंड तक देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाओ यार सब्सक्राइब कर दो। हमारी गाड़ी का काम जो है वो चालू हो चुका है और यहाँ मिस्त्री जो है लग चुके हैं। बुशिंग का काम सबसे पहले हो रहा है। ये है अशफाक भाई का गैरेज है, तो बुशिंग का काम चालू है। भैया क्या नाम है आपका? अनवर। क्या काम चालू है? सस्पेंशन में क्या काम चालू है? बुशिंग का काम चालू है। सस्पेंशन का पूरा ही काम हो रहा है ना, लिंक रॉड वगैरह टोटल? ठीक है। यहाँ हमारे दूसरे पैर हमारे दूसरे भाई हैं, ये भी सस्पेंशन का ही काम करे, बुशिंग का। ये जो पूरा यहाँ से जो आपको दिख रहा है असेंबली, ये पूरा ये निकालेंगे, पूरा खुलेंगे यहाँ से। इसको क्या बोलते हैं इस हो जो आप खोल रहे हो एंड, ये भी चेंज होगा? अच्छा, ये रैक बढ़ जाएंगे। मट्टी न घुसे। ये खराब होती है ज्यादातर, और ये इसको क्या बोलते हैं, ये भी खराब होता है। ऊपर नीचे हिला तो यानी जो नीचे और क्या कह रहा था मैंने इसमें, हाँ हाँ लिंक लिंक गेज और वो लाले ने पानी देखा जाए तो सभी में। अच्छा अच्छा। और जो गड़गड़ की आवाज़ आती है गाड़ी में जब वो ब्रेकर वगैरह में जब गाड़ी कूदती है वो कैसे आती है फिर? वो वाले गुस्से शॉकअप से? नहीं, शॉकअप तो हमने नहीं डाले थे, इससे आएंगे। तो लिंकेज खराब है क्या दोनों भी? नहीं, लिंकेज का कैसे मालूम चलेगा कि खराब है कि सही है? ढीले आ जाते हैं, ये ढीला है। अच्छा अच्छा, ये ढीला आ गया तो ये खराब हो गया। ने हमको जो है पूरा समझा के बताया कि क्या रहता है क्या नहीं रहता है, कैसे जो है वो खराब होता है और कैसे हम देख सकते हैं कि लिंकेज वगैरह जो होती है वो कैसे अच्छी रहती है, और हम कैसे पता लगाए कि वो कैसे ख़राब हो चुकी है। तो भाई ने जो है हमें पूरा समझा के बताया है। अनवर भाई है नाम ये गाड़ी अपनी, शेवरलेट इंजॉय, 1.5 लाख हो चुकी है। 1.5 लाख के बाद में ये सब नॉर्मल चीज़ें तो सर्विस कराना ही पड़ता है। सस्पेंशन वगैरह के काम मैंने बीच में भी कुछ काम कराया था, लेकिन तब मैंने यूट्यूब जो है वो चालू नहीं किया था। अब मैंने जो है यूट्यूब चालू कर दिया, अब तो मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या क्या काम होता है और क्या क्या काम नहीं होता है। बहुत से फ्रॉड भी करते हैं कि सस्पेंशन गया ऐसा गया है, तो आप फ्रॉड से बचने के लिए वीडियो में बने रहिए। वीडियो में आपको जो मैं सब कुछ बताऊँगा कि कैसे जेन्युइन काम होता है और कैसे नहीं होता है। हमारे एक और भाई लगे हैं। ये जो है ब्रेक पैड असेंबली, उसको बांधना जरूरी नहीं तो वो टूट जाएंगे। छोटा बांध रहे हैं, बांध दिया है। भाई कैसे देखते हैं कि जो ब्रेक पैड है वो गए या नहीं गए, कैसे मालूम चलेगा कॉमन मैन को? नए जो आएंगे हाँ इतने ज़्यादा आएंगे, और जो गए हुए वो एकदम पतले हो जाएंगे। लोहे पे आ जाएंगे। अच्छा, ये लोहे पे आ जाएंगे। फिर ये किस चीज़ का है? गाड़ी में जंग पकड़ के रहता है ना। हाँ हाँ पकड़ के रहती है। हाँ वो स्प्रे से छोड़ देती है। अच्छा अच्छा अच्छा। W40 भी बोल सकते हैं ना इसको? W40 भी आती है ना? हाँ
खुलना ही खुलना है। हाँ हाँ हाँ, जिसमें ज्यादा जंग चढ़ा है उसको ये स्प्रे मार के खोल सकते। एक मिनट स्प्रे दिखा दो, स्प्रे W40 नाम का भी आता है, ये बेटर रहता हूँ। ये लेफ्ट साइड से ज्यादा आती है। इस पे भी कुछ काम होगा क्या? इसको कटिंग होगी। कटिंग मतलब मैं समझा नहीं, जैसे इसमें लाइनिंग है। हाँ, लाइनिंग कट हो गई। हाँ, वो लाइन है। अच्छा, तो वो करना जरूरी है जब भी ब्रेक पैड डाला है तब? नहीं, जब भी, तब जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे अभी कट गया है। हाँ, तभी इतना जब काम हो रहा है टोटल। हाँ हाँ, इसके साथ में ये भी काम हो जाए। नहीं, कोई कोई कैसे फ्रॉड करते हैं, मतलब पैसे लूटने का काम करते हैं। जैसे बोलते हैं कि मैकेनिक ने पैसे लूट लिए, तो ये मालूम कैसे चलेगा कि ये गया हुआ है? ये जो दिख रहे हैं लाइनिंग दिख रही है, और ये लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग आ जाती है। अच्छा, लाइनिंग आ गई, मतलब कि कट गया, कट गया है ये। अगर ये जो ब्रेक पैड है, हाँ, ये ब्रेक खत्म होने के बाद लोहे पे आएगा। हाँ, ये लोहे से लोहा घसे। हाँ हाँ, तो ये पूरा गर्म भी होगा और ख़राब भी हो जाएगा। अच्छा, कट जाएगा तो समझ लो गया है। तो इसको कराने जाना पड़ेगा, है ना? ये निकाल लिया है ना आपने? अरे मीशे निकालना पड़ेगा, ये देख लो आप, ये जो इस पर लाइनें आने के कारण ये बोलते खराब हो चुका है, सही कराने जाएंगे एकदम। पाने का लेट मशीन से होंगे। मैं दिखाता हूँ मैंने कितना सामान लाया है गाड़ी के लिए। ये पूरा सामान है गाड़ी का, वो ऑयल वगैरह है। ठीक है, निकाल लो। करते हैं हर एक चीज़ की अनबॉक्सिंग, एक एक पैकेट खोल के दिखा भाई। इसमें क्या है? हैं? बुश है। इसमें लगने वाले बुश। हाँ। ठीक है। इसमें वाटर पंप। ओरिजिनल है ना? ये क्या चीज है? कैलिबर पिन। कैलिबर पिन। और वो ये पैड, ब्रेक पैड। अच्छा, वो इतने इतने आते हैं, ये नए ब्रेक पैड है। एक सेकंड दिखाते हैं पुराने और नए में। ये देखो लिंकेज है ना दोनों भी। अरे ये अच्छा ये है, इसे मतलब ये ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, मतलब ख़राब हो गया। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, ये टाइट है और ये नरम हो गया, मतलब ख़राब हो गया। ठीक है, क्या बोलते इसको? टायर एंड। ठीक है, ये क्या है बड़ा? पीछे के लाइनर। ये पीछे के लाइनर, पीछे के लाइनर खोलने के है ना पुराने वाले? ठीक है, पीछे के लाइनर खोलेंगे तो नया पुराना दिखाएंगे। वो रबर गुट के। ठीक है, और वो ऑयल, ये लिंकेज है। हर गाड़ी में ऐसी रहती है सेम? ये नरम है और ये हार्ड है। अच्छा, पुराने में फर्क देख लो। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं ब्रेक डिस्क को लेवल कराने, रिन्यू कराने जा रहे हैं। जो उस पर लाइनिंग आ गई थी उनको रिन्यू कराने जाना पड़ता है, वो होती है लेथ मशीन पे। तो अब हम जा रहे हैं। दोनों भी साइड का जो चुका है काम, ये मैंने जो है लेवल करा के लाइन में उड़ रहा था ना उस टाइम पे, जो ये वही है वो पार्ट, वो लेथ मशीन पे होता है ये, वो मैंने करा के ला लिया है। वाटर कूलेंट भी डाला है नया, इसको बोलते हैं वाटर कूलेंट, हो चुका है। ये लिंकेज, ये सब नया हो चुका है, ये भी आ चुके हैं, भी ये लग जाएंगे। फिर दिखाता हूँ आपको, वाली क्लिप का ध्यान रखना चाहिए ना, कारण भी है कि नट खुलेगी खुलेगी वही रहेगी। हाँ हाँ, ये वाली क्लिप का ध्यान रखना चाहिए।
गियर ऑयल डाल रहे हैं, ये कंपनी का गियर ऑयल है। काम जो है वो चालू हो चुका है भाई, जो खोलना चालू है बोर्डमों से, अभी निकलेंगे। ये वाले जो गुटके हैं प्लास्टिक के गुटके, ये मैंने बोर्डमों से ऑर्डर किया था जो कि आ चुके हैं। ये गुटका यहाँ लगेगा ऐसा, ठीक है, लगाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। थोकने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। सुबह ये जो है वो खोल दिया गया है, ये वाला खोल दिया है। ये लाइनर है अपने पूरे घस चुके हैं, अब ये चेंज होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी प्रॉब्लम आती है चेंज करने में। पूरी स्प्रिंग वगैरह निकालनी पड़ती है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। तो मिलते हैं लगाने के टाइम पे। गाइस वीडियो गाड़ी का काम जो पूरी तरीके से हो चुका है, अशफाक भाई का छोटा सा इंटरव्यू और उनके जो पार्टनर है अनवर भाई उनका भी लेते हैं और उनका एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर वगैरह वही बता देंगे। तो अशफाक भाई फ़ोन नंबर बता दो। 9191 4557 7 7 3772 3772। ये है अशफाक भाई के नंबर और यहाँ पे अनवर भाई भी है। अनवर भाई अपना नंबर बता दे। 9011 9011 390 390 341 341। ठीक है, तो स्क्रीन पे भी आपको नंबर आ रहे होंगे। तो अशफाक भाई टोटल कितना खर्चा आया? अपने खर्चा कम से कम 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में अपन ने क्या क्या डाले? वाटर बॉडी है, लाइनर है, ब्रेक पैड है, लाइनर और ब्रेक पैड, बुशिंग किट और रोटर। अभी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं। ठीक है, तो जो भी गाड़ी 1.5 लाख चलती है तो उसमें मेजर सर्विस क्या क्या आती है? ऑयल है, ऑयल फिल्टर डीजल फिल्टर और एयर फिल्टर और कूलेंट। और तो कोई इंजन रिलेटेड टाइमिंग चेन वगैरह? नहीं, चलिए। कितने रुपये लगते हैं सर्विसिंग के? अपने यहाँ 200 रुपये। 200 रुपये उसमें ऑयल वगैरह सामने वाले का, कस्टमर का ही ऑयल रहेगा और सर्विसिंग अपने लेबर चार्ज जो है वो 200 रुपये। ठीक है, एक नंबर काम करके देना पड़ेगा और डिस्काउंट भी करके देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अनवर भाई ठीक है, कैसा लगा काम करके? बढ़िया। तो दोस्तों काम जो है वो हो चुका है और गाड़ी में आपको दिखा देता हूँ। ये अपनी इंजॉय, ये टवेरा भी इनके पास आई है और ये इंडिका में भी काम हो रहा है। इधर भी अपनी गाड़ियाँ है, ये देख लो, फेमस है अशफाक भाई। अपनी इंजॉय एकदम टनाटन है। अभी वो शीतला माता मंदिर से, अब अगर आप रेशम बाग से आ रहे हो तो यहाँ से राइट लो और अगर आप दिगुरी से आ रहे हो तो आप लेफ्ट ले लो, यहीं पे आपका अशफाक भाई का गैरेज है। ये यहाँ पे पुलिस चौकी है उसके सामने वाला। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। और जिस भी भाई आपके कोई फ्रेंड फैमिली मेम्बर की गाड़ी में अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो आपको, आप लोगों का काम यही है कि आपको ये वीडियो उन तक पहुँचानी है। तो यार जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी सी एक कमेंट कर दो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। तो बाय बाय, टिल देन टेक केयर और कोरोना में अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।